हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्ता। आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपके हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कल मैं जैसे कि गौरव जून सर के बारे में बताया था वीडियो में, तो वीडियो से देखने से पहले मैंने गौरव जून सर का वीडियो में जितना भी वीडियोज़ है उसके चैनल में जितना भी वीडियोज़ है मैंने सारा वीडियोज़ देखा। तो वीडियोज़ देखने के बाद मैंने उसको बैक किया। उसके बाद मैंने देखता हूँ कि मेरे को अचानक सजेस्टेड में कुछ इस तरह से वीडियो देखने लगी। फ्रेंड्स, आप लोग भी शॉक्ड हो जाइएगा ये थंबनेल लेके। फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ इस तरह से थंबनेल देखा, तो थंबनेल में मैंने इस देखा तो मैंने शॉक हो गया। फिर मैंने वो थंबनेल का वो जो वीडियो पोस्ट हुआ टाइम देखा कि कितने दिन पहले टाइम। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये वीडियो थंबनेल क्लिक बैट होगा, मतलब क्लिक बैट होगा। फिर भी मैंने सोचा कि इतना गहरा क्लिक बैट, मतलब कुछ इतने डेंजर तरीके से क्लिक बैट कैसे कर सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो को मैं देखता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आप किसी भी तरह से, मान लीजिए मैंने गौरव जोन सर का वीडियो सर्च किया, देखने लगा तो लगातार मेरे को उस तरह से वीडियो सजेस्टेड में आने लगे थे। पर पायल जोन के, इस तरह के पायल जोन के वीडियो आने लगे थे बहुत सारे वीडियोस। तो कुछ ये वीडियो मेरा अचानक से सजेस्टेड करने लगा फ्रेंड्स। तो मैंने अचानक से ये वीडियो देखा कि ये तो थंबनेल अजीब था, मैंने शॉक हो गया। फिर मेरे को तो लगा ये क्लिकबेट होगा क्योंकि टाइम देखा। उसके बाद मैं आशीष संजालय सर का बहुत सारे वीडियो देखते रहता हूँ, उनका बहुत वीडियो देखता हूँ मैं फ्रेंड्स। ये वीडियो देखने के बाद फिर मैंने वीडियो को क्लिक किया। वीडियो में देखा तो मैंने देखा कि आप ही लोग देख लीजिए फ्रेंड्स वीडियो में क्या देखा। जो कि बहुत बड़ी खबर है और बहुत बुरी खबर है दोस्तों। क्या खबर है मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। बात ये है कि आशीष चंचलानी जो कि एक बहुत अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, वो आशीष चंचलानी अब हमारे बीच में नहीं रहे दोस्तों। वो हमें, आपको, हम सभी लोगों को छोड़कर जा चुके हैं भगवान के पास। आशीष चंचलानी की मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ मान लीजिए कोई यूट्यूब का न्यू अपडेट भी आता है तो उसके बारे में बहुत सारे सर्च करने पड़ते हैं ताकि ऑडियंस को ऐसा न लगे कि नहीं ये फेक बता रहा है या फिर कुछ ऐसे, मतलब उनको ऑडियंस को गलत ना लगे, ऑडियंस छोड़ के ना जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से सर्च करना पड़ता है, बहुत सारे के ऑफिशियल ब्लॉग पर जाना पड़ता है, उससे बहुत सारे वीडियोज़ देखने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग एक वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स न्यू अपडेट को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही तो इसने डायरेक्ट एक जीता जाता आदमी को ऊपर पहुंचा दिया फ्रेंड्स। ये तो बहुत ही गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए था। इसके और भी बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, ऐसे ऐसे वीडियोस, मिस्टर इंडियन हैकर जो इतने बड़े यूट्यूबर है उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो उनका भी कुछ इस तरह से वीडियो बनाया गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मतलब वीडियो में झूठ झूठ बोल देना और ऐसे वीडियो बना देना और व्यूज़ पाना, ये सही नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही गलत है। और एक वीडियो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जिसमें आप लोग शॉक हो जाइए। मेरा ये काम है कि आप लोगों को सबसे पहले सबसे सही जानकारी दूँ, इसी के लिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती। सो मैं आपको यही बोलूंगी कि गाइस, इस समय में आप लोग अपने विवेक से काम लीजिए और बहुत ज्यादा आप लोग सैड मत होइए क्योंकि दोस्तों देखिए, सच्चाई जो है वो सच्चाई ही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। सो क्या पूरी बात है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि गाइस, मिस्टर इंडियन हैकर मेरे मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर कहीं ना कहीं थे। मैं वर्तमान में सिर्फ दो यूट्यूब चैनल्स को देखा करती हूँ, सच में आपको बता रही हूँ। एक है क्रेजी एक्स वाई जेड, दूसरे थे मिस्टर इंडियन हैकर। बट अब तो मैं सिर्फ एक ही चैनल देख पाऊंगी जो कि है क्रेजी एक्स वाई जेड, क्योंकि अब अगर मिस्टर इंडियन हैकर हमारे बीच में है ही नहीं तो वो वीडियो कहाँ से। तो वो तो आशीष चंचलानी सर का था, अब ये मिस्टर इंडियन हैकर ने कुछ दिन पहले वीडियो छोड़ा था जिसमें बताया गया था कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, तो उसमें उनको डायरेक्ट ये ऊपर ही भेज दिए फ्रेंड्स। मान लीजिए किसी का वीडियो अगर नहीं आ रहा है एक महीने, एक से डेढ़ महीने अंदर, तो क्या वो, और बहुत सारे रीज़न हो सकती है, उनके तबीयत डाउन है, उसके फैमिली मेम्बर में किसके तबीयत डाउन है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह, कुछ भी इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि वो सीधे ऊपर चल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही गलत फ्रेंड्स। बस आज की वीडियो में यही दिखाना था फ्रेंड्स, आप इस तरह से वीडियो नहीं बनाइएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।